15 और 16 अक्टूबर संबंध नागरिकों की बैठक का आयोजन रामनगर पुलिस स्टेशन में किया गया। 15 और 16 अक्टूबर संबंध रामनगर पुलिस स्टेशन में नागरिकों की एक बैठक ली गई। इस दौरान 16 अक्टूबर को रैली दौरान कोई भी डीजे नहीं बजाएगा, पारंपरिक वाद्य बजाए जाएंगे, ऐसा आह्वान किया गया है। साथ ही नागपुर रोड पर लगने वाले स्टॉल्स की व्यवस्था चांदा क्लब ग्राउंड पर की गई है। कार्यक्रम दौरान अनाज की बर्बादी ना हो, ऐसी सूचना भी दी गई। इन सारी बातों पर नागरिकों ने अपनी सहमति दर्शाई। इस संदर्भ में जानकारी पुलिस निरीक्षक प्रकाश हाके ने दी। येथील सर्व 15 आणि 16 ऑक्टोबर संबंधित जेवढे नागरिक आहेत त्यांची आपण एक बैठक घेतलेली आहे आणि त्या बैठकीमध्ये सर्वांना हे आवाहन केलेलं आहे की 16 ऑक्टोबरला ज्या रॅल्या काढणार त्या रॅल्यामध्ये कुणीही डीजे वगैरे वाजवणार नाही, सर्व पारंपरिक वाद्य वाजवतील। लोकांनी त्याला अनुमोदन दिलं आणि शिवाय जी दुकानं 12 तारखेपासून 16 तारखेपर्यंत रोडवर लागतात नागपूर रोडवर, तर ते यावेळेस नालीचं बांधकाम सुरू असल्यामुळे तिथे अडचणीचं जागा आहे, त्यांनी सर्वांनी ते दुकानं चांदा क्लबला लावावेत असं कलेक्टर सरांनी सुद्धा आज मीटिंगमध्ये ते सांगितलं। त्याच्यानुसार आपण लोकांना सर्व हा मेसेज दिला, त्याचाही लोक सहमती आहे। शिवाय 12 वाजेपर्यंत जो टायमिंग आहे तोही सर्वांनी पाळावा कोणाच्या आदेशाप्रमाणे, आणि अन्न वेस्ट जाणार नाही याची सुद्धा काळजी घ्यावी असे आपण सूचना केल्या। त्याला सर्वांना सर्व लोकांनी अनुमोदन दिलं आणि त्याप्रमाणे आम्ही करू असं सर्वांनी सांगितलं। हर वर्ष 15 और 16 अक्टूबर को दीक्षाभूमि पर लाखों बौद्ध अनुयायियों की भीड़ उमड़ती है। इस दौरान दूर दराज से यहां बौद्ध अनुयायी आते हैं। कार्यक्रम में आने वाले अनुयायियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष भी दीक्षाभूमि पर 15 और 16 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर जोरदार तैयारियाँ की गई है।